जिस तरह आज शादी का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया नात के माध्यम से, अक्सर देखा जाता है कि मौलाना जो होते हैं या इमाम जो होते हैं नात शरीफ जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि लोगों के दिल बाग बाग हो जाते हैं, ऐसी कोई नात शरीफ जो आपके माध्यम से लोगों को, हमारे दर्शकों को सुनने को मिले? बिल्कुल, पप्पू भाई पुरोहित का इस्तकबाल करेंगे जनाब रशीद पटेल साहब। आपको बेहतरीन कुछ कलाम पेश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला इसको इस मौके से अपनी बारगाह में, अपने महबूब की बारगाह में कबूल और मंजूर करवाए। जनाब अली मुनियार साहब, जनाब अली मुनियार साहब उनका इस्तकबाल करेंगे जनाब रशीद पटेल साहब। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए। हम के मारे आश्क ना बहा, आमना के लाला गए। हम के मारे जनाब आसिफ अख्तर साहब इनका इस्तकबाल करेंगे जनाब शानो बनियार साहब। आमना के लाला गए, बन के तरते दिल की वो तवा, आमना के लाला गए। शेर मुनादा फरमाए, आ गए वो कायनात में, खूबिया है जिनकी जात में, के आ गए वो कायनात। जनाब इमरान भाई, जनाब इमरान भाई इनका स्वागत करेंगे जनाब पप्पू मुनियार साहब। खूबिया है जिनकी जात में, कुफर और शिर्क में है जलजला, आमना के लाला गए, बन के दर्द दिल की वो तवा, आमना के लाला गए। दूर होगी जुल्मत जहां, अब न दफन होगी बेटियां, दूर होगी जुल्मत जहां, अब न दफन होगी बेटियां। अरे गौजी है ये माँ के से सदा, आमना के लाला गए, बन के दर्द दिल की वो दवा, आमना के लाला गए। अब ना दफन होंगी वो बेटियां, बहुत बहुत ही अच्छा आपने एक संदेश और एक मैसेज दिया है। सर जैसे कि मौलाना होते हैं या इमाम होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं मस्जिद में, जब आते हैं तो इबादत करते हैं जब अल्लाह की, तो उनके पीछे इबादत करनी पड़ती है। सर ऐसे में जो लोग आपको चाहते हैं या इमाम की वजह जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, यकीदा होता है, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश आपके माध्यम से देना चाहेंगे आप चलते चलते? जो परिवक्ता नमाजी हैं और हर मोमिन को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुफ्र और इस्लाम में फर्क ही नमाज का है। बस मैं ऐसे नमाजियों के लिए जो पंज वक्ता मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद में पाबंदी के साथ पढ़ें नमाज, और जब जमात से नमाज पढ़ेंगे तो उस नमाज का 70 गुना अज्र ज़्यादा है। अगर घर में पढ़ते हैं तो वो अज्र से जो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने में पाएंगे महरूम रहेंगे। तो मैं ऐसे नमाजियों से यही गुजारिश करूंगा कि नमाज मस्जिद में जा कर के और इमामों के पीछे अदा करें। सर चलते चलते जैसे कि
जो लोग होते हैं समाज के, जो लोग होते हैं समाज में, अक्सर देखा जाता है कि दहेज को लेकर काफ़ी दिक्कतें सामने आती हैं, रिश्ते भी काफ़ी टूट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी के घरों में बेटियां होती हैं और फिर भी लोग दूसरे की बेटियों को सताते हैं, जुल्म करते हैं, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को और ऐसे परिवारों के लिए? देखिए, जो भी दहेज के ताल्लुक से जुल्म खत्म करते हैं या बच्चियों को सताते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, ये उनकी जहालत है। उनके अंदर दीनी तालीम ना होने का नतीजा है। और मैं तो ये सरासर माँ बाप को कसूरवार ठहराऊंगा कि माँ बाप ने बच्चे को, बच्ची को दुनियावी तालीम तो दिया लेकिन दीन की तालीम न दिया। शरीयत मुस्तफ़ा न सिखाया, मुसल्लम मुस्तफ़ा को आबाद करना न बताया। अगर बताया होता, जब वो बच्चे या बच्ची शरीयत जानते, दीन जानते, तो ये मौका हरगिज़ देखना माँ बाप को नसीब नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा माँ बाप से भी कि ये सरासर आपकी कोताही और कमी है। हम सोचते हैं अपने बच्चों को, उनके मुतालबे को पूरा करके कि हमने बच्चे का हक अदा कर दिया बाप होने का, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी बाप ने अपने बच्चे को हुस्ने अखलाक, हुस्ने अदब से बढ़ करके कोई तोहफा नहीं दिया। आज जो ये हमारे बच्चे और बच्चियां बद अखलाकी से पेश आ रहे हैं, बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर तहजीब नहीं है, बेहयाई और बेपर्दगी है, ये सब जहालत का नतीजा है और सही शरई तरबियत न करने का नतीजा है। माँ बाप आज भी बच्चे बच्चियों की तरफ सही तरबियत की जानिब तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जहेज जैसी लानत उससे बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले शर्त है दीन की तालीम। आज शौहर बीवी से नफरत कर रहा है, बीवी शौहर से नफरत कर रही है, बाप बेटे में नफरत है, भाई भाई में लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी में जंग है, सास बहू में झगड़े हैं, उसकी वाहिद वजह है जहालत। अगर दीन की शरीयत की तालीम दे दी जाए, इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी उम्मत से खिताब करते हुए फरमाया, उक्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बा वला तकुन खामिस फतुहलिक। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों, पूरी उम्मत से खिताब है, किसी एक आदमी से, एक फर्द से नहीं, पूरी उम्मत से खिताब है कि बन सको तो मेरी शरीयत का आलिम बनो। क्या बनो? आलिम बनो। और ये नहीं बन सकते हो तो कम से कम आलिम के कदमों में बैठने वाला बनो। ये भी नहीं बन सकते हो तो आलिम की सुनने वाला बनो, जहां आलिम शरीयत बयान कर रहा है उसकी सुनो। ये भी नहीं बन सकते हो तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला। आज हमारी अक्सरियत और मजारिटी पांचवा बन चुकी है और आका फरमाते हैं कि वला तकुन खामिस फतुहले, पांचवा ना बनो वरना हलाक हो जाओगे। आज जो ये तबाही है, ये परेशानी और बर्बादी है, बुधवार सुन्नी मुस्लिम जमात के सदर यही है मदीन पठान साहब का इस्तकबाल करेंगे जनाब शकील मनियान साहब। तरबियत नहीं की है और ये बीवी को
सता रहे हैं जहालत की वजह से। ये मुस्तकीम सही है, सास और बहू की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है जहालत की वजह से। शकील बनियार साहब, आदमी शराब पी रहा है जहालत की वजह से, जुआ खेल रहा है जहालत की वजह से, ताश के पत्ते खेल रहा है जहालत की वजह से, जिनाकारी और दिगर बुराइयों में मुलविस है किस वजह से? जहालत की वजह से। माँ बाप को बच्चे बच्ची सता रहे हैं किस वजह से? जहालत की वजह से। उनके अंदर दीनी तालीमी बेदारी लाई जाए इंशाल्लाह ये सारी तकलीफें, चाहे वो दहेज की तकलीफ हो और चाहे और कोई तकलीफ हो, जब उनके अंदर दीन की तालीम आ जाए तो देखिए फिर हमारा मुआशरा एक खुशगवार मुआशरा, खुशहाल मुआशरा नज़र आएगा। तो कल्याण में आज जिन 6 दूल्हा दुल्हनों की शादी लगाई गई है मनियार अथर सोशल फाउंडेशन के द्वारा, आज उन मौलाना से हम समीर मानकर साहब, तो संदेश यही है कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दें, जिससे कि बच्चे घरों में या अपने परिवार में या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं शादी के बाद जिस तरह उन्होंने दीनी तालीम हासिल की होगी तो वो अपने जीवन को सफल गुजारने में कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं नियाज खान, एचटीवी न्यूज़ कल्याण। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।